हे पोके आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ तबाहीदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो थियरी वीडियो ना हो कि हमारा स्पेशल टॉप 5 वीडियोस होने वाला है जो हमेशा आता रहता है। तो थियरी वीडियोस भी डालूंगा यार, रुक जाओ, थोड़ी रिसर्च चालू है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 5 ईवी एवोल्यूशंस। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट को बनाया है पहले तो मेरे विश लिस्ट में से मैंने इस लिस्ट को तय, और इनके अपीयरेंस और उनके पावर्स और उनके एबिलिटीज़ के ऊपर इनको लिस्ट में रखा है। तब तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो जल्दी आके लाइक करो, और लाइक करते करते साथ कमेंट भी कर देना, और कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर नया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो, और भटक के आए हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन लगाओ ताकि तुम लोग को रिसेंट अपलोड्स के बारे में पता चले। और जो लाइक गेम है आज का वो है 200 लाइक्स, जो तुम लोग फटाक से कंप्लीट कर दोगे ये तुम्हारे लिए बहुत ओपन है। 200 लाइक्स तो बहुत कम है, तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो दोस्तों, तो अब देखते हैं नंबर 5 पे जो ईवी एवोल्यूशन आता है वो कौन सा ईवी एवोल्यूशन आता है। तो यार ये कैंटो का वाटर टाइप है, तो तुम लोग सोच गए होंगे ये वेपोरियन है। तो यार वेपोरियन को इस लिस्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ के बारे में उसके एबिलिटीज़ की वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में रखा। तो उसकी एबिलिटी क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दोस्तों वेपोरियन की एबिलिटी ये है कि वो पानी में खुद को डिसअपियर कर सकता है, जिससे कि उसे बहुत सारा फ़ायदे होता है। और उसका जो बेस स्टैट्स है ये है 525, और ये हर एक ईवी एवोल्यूशन का बेस स्टैट्स सेम रहता है। और वेपोरियन को इवॉल्व करना है ईवी से वेपोरियन को, तो वाटर स्टोन लगता है। तो दोस्तों, तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। दोस्तों नंबर 4 पे एक नहीं बल्कि दो कैंटो के आते हैं, एक है इलेक्ट्रिक और एक है फायर, जो कि है जोल्टियन और फ्लेरियन। दोस्तों एक तो पहली चीज़, मैंने इन दोनों को, यार ये लोग मुझे बहुत पसंद है, इलेक्ट्रिक और फायर टाइप, और ये लोग बहुत कूल दिखते हैं। तो फ्लेरियन के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट जोल्टियन एक स्पाइन है, वो अगर उसको तुम छू लेते हो तो यार तुम्हें बहुत सारा करंट लग जाएगा, और इन्हें इवॉल्व करने के लिए थंडरस्टोन और फायर स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो यार अगर बेस स्टैट्स के बारे में मेरे को बात तो करनी नहीं है, क्योंकि यार ईवी के हर एक एवोल्यूशन का बेस स्टैट्स सेम टू सेम रहता है, जो है 525 ओवरऑल इसका सेम रहता है। अंदर की सब चीज़ें अलग हो जाती है, मतलब एचपी वगैरह वो सब डिफरेंस होता है। तो अब तो जो पोकेमॉन अगले लिस्ट में आता है यार 3 पे आता है इवोल्यूशन पोकेमॉन, वो है साइकिक टाइप एस्पियन। तो यार एस्पियन इस लिस्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये ईवी का मतलब बेस्ट पोकेमॉन्स है, इवोल्यूशंस में से एक है। और मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों तुम्हारा ईवी यानी अगर गेम हो या फिर कहीं और हो तो उसे तुम लोग को एस्पियन में विकसित करना है, तो तुम लोग को अपने ईवी के साथ बहुत ही अच्छा सा संबंध रखना पड़ेगा, यानी बहुत सी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो इवॉल्व होगा तब वो डेलाइट में इवॉल्व हो, यहाँ या अगर वो डेलाइट में इवॉल्व होता है तो वो एस्पियन में विकसित होता है और साइकिक टाइप बन जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एस्पियन को नंबर 3 पे मैंने रखा हुआ है, और एस्पियन बहुत ही ताकतवर और क्यूट पोकेमॉन लगता है मुझे को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में, और देखते हैं आगे के लिस्ट में यानी नंबर 2 के पोजीशन पे कौन सा पोकेमॉन आता है। तो यार नंबर 2 पे आने वाला जो पोकेमॉन है वो है सिल्वियन। दोस्तों सिल्वियन इस लिस्ट पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत क्यूट है और वो बहुत फेमस पोकेमॉन बन चुके हैं, जब से यानी वो फेमस बन चुके हैं जब से ईवी यानी सरीना का ईवी एस्पियन में बदल गया है, सॉरी सिल्वियन में। तो यार तब से वो बहुत ही फेमस हो गया है, और वो बहुत ही ताकतवर है, और वो फर्स्ट और फेरी टाइप ऐसे कहा जाता है उसे, और उसके फेरी मूव्स के साथ साथ वो कुछ हद तक साइकिक मूव्स कर सकती है। और अमेजिंग सा पोकेमॉन से यार क्यूट है, उसका शाइनी फॉर्म भी बहुत क्यूट है। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिल्वियन को नंबर 2 की पोजीशन दी है इस लिस्ट में। और अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 के 1 की तरफ। जो पोकेमॉन आज की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे आता है, जो ईवी एवोल्यूशन आज के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे आता है वो और कोई नहीं बल्कि एक डार्क टाइप ईवी एवोल्यूशन है। जी हाँ, वो एक डार्क टाइप ईवी एवोल्यूशन है, और वो है अम्ब्रियन। तो दोस्तों अगर तुम लोग को अम्ब्रियन नहीं पता होगा तो यार अम्ब्रियन को हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जोटो रीजन में गैरी के पास, यानी गैरी का ईवी अम्ब्रियन में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो यार आगे के वीडियो बढ़ते मैं तुम लोग को बताता हूँ कि अम्ब्रियन अगर तुम्हें अपने ईवी को बनाना है और उसे अम्ब्रियन में बनाना है तो यार तुम लोग उसे कैसे विकसित कर सकते हो। तो उसके लिए एक सिंपल फैक्टर है जो मैंने इस पियन के लिए बताया था,
दोस्तों स्पियन और अम्ब्रियन ये दो पोकेमोन हैं, दो ईवी एवोल्यूशन है जो हमें जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। दोस्तों अम्ब्रियन एक बहुत ही ताकतवर और दमदार पोकेमोन है, ये तो कोई शक ही नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब बहुत ही खतरनाक। तो इसे इवॉल्व करने के लिए तुम्हें अपने ईवी के साथ बहुत ही अच्छी सी फ्रेंडशिप होनी चाहिए और बहुत ही अनोखा मतलब ये क्या कह सकते मन की ताकत यानी बॉन्ड रहना चाहिए अपनी ईवी के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखनी कि अगर तुम्हारा ईवी इवॉल्व हो रहा है तो उसे नाइट में इवॉल्व कर देना, तो वो आराम से अम्ब्रियन में बदल जाएगा। तो अगर गेम्स की बात करें, गेम्स में अलग अलग चीज़ों से इवॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं पोकेमोन गो की बात करता हूँ तो पोकेमोन गो में ईवी को अपना बड़ी बना के 10 किलोमीटर तक चलाना पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर के बाद उसे नाइट में इवॉल्व करना पड़ता है, फिर वो अम्ब्रियन में विकसित हो जाता है। तो उससे ये रहे गेम के फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स तो गेम के सब सेम है। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अम्ब्रियन को नंबर 1 की पोजीशन दी है। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगर तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक करना और नीचे कमेंट करना कि तुम्हें कौन सा ईवी एवोल्यूशन पसंद आया, और मुझे बताना तुम लोगों को ये वीडियो भी कैसे पसंद आया। और प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन दबाना ताकि मेरे रिसेंट से रिसेंट अपलोड्स तुम लोगों को पता चले। और दोस्तों मेरे को तुम लोगों को एक चीज़ बतानी है कि मैंने Q&A अनाउंसमेंट कर दिया मेरे कम्युनिटी टैब पे, क्योंकि हम 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है, यानी मोस्टली अराउंड 40 से या फिर 45 सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए, तो वो जल्दी हो जाएंगे। मेरे को पता है तुम लोग का सपोर्ट की वजह से कल डाला था 19 आवर्स अगो, तो अब तक 24 कमेंट्स आ चुके हैं। तो मतलब तुम लोग कमेंट करो, मैं सबका कमेंट्स के आंसर देने की पॉसिबिलिटीज़ रखता हूँ, यानी मैं सबके कमेंट्स को आंसर करने वाला हूँ। तो अभी अमेजिंगली तुम लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने पोखे बडीज़ के साथ शेयर करना, और अपने दूसरे पोखे ट्यूबर्स यानी जिनको भी जानते हो यार, जिनको पोकेमोन पसंद है, तो उनको सब्सक्राइब कर देना, यानी उनको वीडियो सेंड कर देना। तो तब तक के लिए मैं तुम लोग से विदा लेता हूँ, और तुम लोग अपना ध्यान रखना।